प्रयास करें कि थोड़ा कम है सवाल। मनीष सकता स्वच्छ दिखाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, कहीं भी जाके स्वच्छ दिखाई। लेकिन जो आवाज कम से कम जैसे यही अररिया है, अररिया जिला में ही हूँ मैं, इसी अररिया में कम से कम 2-3 महीना लगातार आरती छोटू की खबरों को दिखाया गया, सही है कि नहीं? सही बात है। तो 2-3 महीना इस खबर को दिखा दिया जाए, बस बात खत्म। दिखाया जाए ना 2-3 महीना, देखिए कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अरे करके देखिए। संघर्ष आने के संघर्ष करना, यहाँ के लोग जो है खाने पीने का सब कुछ का व्यवस्था कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो फिर अपने घर से आइए, लेकिन इन सब चीजों को दिखाइए और दिखाना पड़ेगा। सवाल, लेकिन आपके बुलाने पे यहाँ पे सारे पत्रकार चले आए, इसको किस तरीके से देखते हैं? सारे पत्रकार नहीं आए हैं, जो बहुत आए हैं, जो जो टॉप लेवल के पत्रकार हैं मधुबनी से, भैया हम लोग आए हैं, वही टॉप हो जाएगा। मनीष सर जिसको टॉप बोल देंगे अभी के समय, वही टॉप। नहीं सर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है बड़े लेवल के है, जिनको कहा जाता है मोदी जी, जिनके साथ बैठते उठते हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिनके साथ मंत्री लोग बैठते उठते हैं, सही है कि नहीं? जो फैक्ट है वो मैं बात बोल रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है जो दिन रात जो है मुर्गा लड़ाते रहते हैं, एगो दाढ़ी वाले को बैठा लेते हैं और एगो टीका वाले को बोलते हैं चुपो मौलाना चुपो चुपो टीका वाले चुपो, करते हैं कि नहीं करते? मनीष सर अगर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ तो अच्छा हो जाएगा। मनीष सर, मनीष सर, मनीष सर, मनीष सर, हम लोगों को आवाज। मनीष भैया एक सवाल आपको, जो मनीष भैया उनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर वो लोग नहीं आए होते तो शायद हम लोग जो है अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं करते। मनीष भैया एक सवाल, समाज सेवा के कारण की लोग जो है आज हाथ कटा दिए, क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मनीष भैया साथ नहीं आएगा, नहीं। उसके बाद जो मैं पहला दिन आया था, मैं पहला दिन आया था तो गांव के लोगों से मैं भी नाराज था, लेकिन अब लग रहा है कि गांव के लोग धीरे धीरे विमल मंडल जी के साथ खड़े हो रहे हैं। गांव ही के लोग बताए कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोग रहते थे, इन्हीं लोगों ने बताया। लेकिन इस बार अयोध्या से विमल मंडल जी आएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनके साथ पूरा गांव खड़ा। मनीष भैया आप जो है बच्चे हैं आने के लिए मधुबनी जिला में लोकना खटौना प्रखंड पड़ता है, लोग कह रहे थे आपको आने के लिए। गणेश भैया एक सवाल है, अगर हम लोग विमल मंडल जी को इंसाफ दिलवा दिए तो समझिए बिहार के गांव से 50% भ्रष्टाचार खत्म। और इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो किसी भी, तो अगर आप लोग अपने गांव में मुझे बुलाना चाहते हैं तो पहले आप लोग विमल मंडल जी के लिए आवाज उठाइए और उनको इंसाफ दिलाइए। मनीष भैया मिल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। उसके बाद से मैं किसी भी गांव में जाऊंगा, वहां के अधिकारी डरेंगे, वहां के जनप्रतिनिधि डरेंगे और मेरे जाने मात्र से जो है काम हो जाएगा। आप पूछिए इस गाँव के लोगों से, आज सुबह 9 बजे एक गाँव के व्यक्ति जो है हर एक स्कूल का भ्रमण किए, सारे स्कूल टाइम पे, बिल्कुल उनको पता था। ये देखिए इधर आए हैं, यही बता रहे थे, यही ये आज सुबह जो है 9 बजे स्कूल का भ्रमण किए, सारा स्कूल टाइम पे जो अपना बच्चों का एक होता है ना आंगनबाड़ी, हाँ उसमें भ्रमण किए, वो भी टाइम पे, यहाँ तक कि कुछ और भी जगह पे ये गए थे सरकारी कार्यालय में, वो सारा टाइम पे, क्योंकि उन लोगों को डर था कि मनीष कश्यप आया, ये चीज है। तो ये डर पैदा रहना चाहिए। प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ पे कहा जाता है कि कोई लेटर है स्कूल को सही ढंग से, सही चीजों को दिखाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत तरीके से गलत चीजों को दिखाया जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। सही ढंग से दिखाने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोकेगा। भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए पहले लेटर लेके थोड़ी आएगा कोई। एक घटना है 10 तारीख की, मैं बात बताता हूँ। मैं DSP के यहाँ पे क्राइम मीटिंग में था और एक थाना अध्यक्ष भी मेरे साथ क्राइम मीटिंग में थे, और 10 तारीख की एक घटना में उसी थाना अध्यक्ष ने मेरे ऊपर FIR कर दिया है। इसको क्या कहना, कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए समस्या क्या है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सबको इंसाफ कोर्ट देता है। बिल्कुल, मैं क्राइम मीटिंग में था, मेरे पास वीडियो है, मैंने खबर चलाया, वो थाना अध्यक्ष भी मेरे साथ था, मैं उसी की गाड़ी से रिटर्न आया, मेरे पास बाइक नहीं थी और उसी ने फिर मेरे ऊपर FIR कर दिया है। हाँ, तो वो वीडियो एविडेंस के साथ जो है आप SP साहब के पास जाइए जी, और SP साहब आपके साथ इंसाफ करेंगे। अगर SP साहब इंसाफ नहीं करते हैं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। मनीष जी, वीर पदाधिकारी के और विमल जी क्या कहना जा रहा है, इतिहास दोबारा रचा है, इतिहास दोबारा दोहराया गया है। वीर कुंवर सिंह जो है अपना हाथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ काटे थे, उस समय जो है देश की सबसे बड़ी समस्या, उस समय देश की सबसे बड़ी समस्या थे अंग्रेज, सही है कि नहीं है? बिल्कुल, देश गुलाम था
और आज जो है देश के लोग भ्रष्टाचार के वजह से गुलाम तो भ्रष्टाचार भागेंगे। हाँ एकदम भ्रष्टाचारी भागेंगे अगर हम लोग एक साथ ईमानदारी पूर्वक। विमल जी का स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम लोग अच्छी जल्दी। विमल जी स्वस्थ हो रहे हैं, उनका इलाज जो है अयोध्या में अच्छे ढंग से चल रहा है। सत्संग फाउंडेशन क्या कर रही है उनके लिए मनीष भैया? मैंने 1,00,000 रुपया जो है उनको आर्थिक सहयोग करने का बात बोला है और शाम तक उनके खाते में पैसा चला जाएगा, 1,00,000 रुपया चला जाएगा जी। और आप यहाँ पे कितने दिन रुकिएगा? मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। विमल जी का कटा हुआ हाथ क्या भ्रष्टाचार पर नई कहानी लिखेगी? हाँ एकदम नई कहानी लिखी जानी चाहिए। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मैगजीनों में जो है इनका फ्रंट पेज पे जो है इनका फोटो छपनी चाहिए। सभी पत्रकारों के सिरमौर है मनीष कुमार, ऐसा माना जा रहा है। सभी पत्रकारों के सिरमौर कोई एक आदमी नहीं हो सकता है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से सीखे हैं और बहुत सारे लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, तो हमें जो है बस हम सब भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ यही कहना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है हम लोगों का है। हम लोग ही अपना काम कराने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। हम लोग पैसा देना, घूस देना बंद कर देंगे, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म। मनीष दो लाइन हम कहना चाह रहे हैं। मनीष तुम मत घबराना, तेरे पीछे है इतने पत्रकार दीवाना। मनीष तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहार हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। हम लोग भी बहुत सारा समस्या झेलते हैं, जैसे आप सभी लोग पत्रकार लोग हैं। मान लीजिए कि मैं इसी में से निकल गया होता, किसी को इंटरव्यू नहीं दे पाया होता, तो फिर बहुत सारे लोग जो है मनीष भैया एक सवाल मनीष भैया एक सवाल मेरा। सबसे बड़ा समस्या क्या हो जाता है कि जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई बीच में मोबाइल घुसा देता है। इसे एक भैया फोटो 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 फोटो। मैं जब से आया हूँ, मैंने एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैंने नोटिस किया है कि विमल मंडल जी का उधर बैनर लगा हुआ, उनके साथ 1% लोगों ने भी फोटो नहीं लिया, 99% सिर्फ मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं। मेरे साथ फोटो लेने से क्या फायदा? आप विमल मंडल जी के साथ फोटो लीजिए और उसके बारे में फेसबुक पे डालिए, तब ना जाके बदलाव होगा। मनीष भैया आपको नहीं लगता कि मुख्यधारा की मीडिया जो है उनका जमीर गिर चुका है? और अभी तक मुख्यधारा की मीडिया खासकर हमारे बिहार को लेकर मौन रहती है, इतनी बड़ी घटना मैं मान सकता हूं। ये मैं मान सकता हूं मुख्यधारा की जितनी भी मीडिया है वो बिहार के प्रति जो है खामोशी। बिहार में किस तरह की आपराधिक घटना हो जाए या फिर सामाजिक घटना हो जाए उसमें ज्यादा टीआरपी नहीं देता है, ज्यादा वो दिल्ली में नहीं चलाता है। बिहारियों को एक अलग नजर से देखते हैं, अलग नजर से कि बिहार को छोड़ो। तो इसमें कब तक परिवर्तन देखने को मिलेगा? अरे हम लोग लेकिन आपके आने से तो कुछ चेंजिंग कर रहे हैं कि नहीं? वास्तव में लोग भी कहते हैं कि मनीष कश्यप नाम नहीं ब्रांड है और इस ब्रांड को आप धीरे धीरे काफी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं और खासकर जो सोशल मीडिया के पत्रकार है उस पर आए दिन हमला हो रहे हैं। किसी तरह के तरह तरह के बहाना बनाकर स्कूल में जाते, चोरी का आरोप लगाकर पीटा जाता है। मैं गया था बनमंखी चीनी मिल, जो एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था और एक धरोहर था अपने बिहार का, एक धरोहर था पूर्णिया का, एक धरोहर था अररिया मधेपुरा किशनगंज, मतलब इस सब क्षेत्र का, ये 4-5 जिला है इधर का धरोहर था वो। आंखों के सामने उसको काटा जा रहा है। मैं गया तो मुझे तो रोकने का प्रयास नहीं किया गया, मेरे से एक आदमी ने आईडी कार्ड मांगा। मैंने बोला मेरे पास है भाई, तुम अपना आईडी कार्ड भी दिखा दो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, क्या पता तुम चोरी कर रहे होगे, सही कि नहीं? यहाँ पे तो दिन के उजाले में पुल चोरी करके लेके चला गया, तो क्या पता तुम भी चोर हो गए। मैं अपना दिखाता, तू अपना दिखाओ। तब तक उसके कान में कोई बोला कि अरे ये बड़ा पत्रकार है मनीष कश्यप, तो वह साइड हट गया। फिर बाद में कुछ पत्रकार लोग आके बोले कि हम लोगों को धमकी दे रहा था, तो हम फिर उसके बाद से हम रिटर्न आए और फिर बढ़िया तरह से रिलाई किए कि जब हम दिखा सकते हैं खबर तो कोई भी पत्रकार दिखा सकता है। सच दिखाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके सच दिखाई, लेकिन सच सही ढंग से दिखाइए लोग। ब्रांड बिहार के तहत जो है हम लोगों ने लगभग 10,000 के आसपास टी शर्ट बांटा है। दुर्भाग्य देखिए बिहार का, जब मैंने 9,000 के आसपास टी शर्ट बांट दिया था, मतलब की 7-8 हजार के आसपास मैंने टी शर्ट बांट दिया था, तो उसके बाद से लोग ब्रांड बिहार का चर्चा शुरू करना शुरू किया। क्यों चर्चा शुरू करना शुरू किया? उसके पहले मैं सिर्फ गरीब लोगों को देता था, ठीक है, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत के दम पे बिहार को बदलते हैं, उन लोगों को देता था। उस समय कोई मतलब मुझे मैसेज नहीं करता था, मुझे टी शर्ट चाहिए, वो शर्ट चाहिए। उसके बाद से मैंने टी शर्ट दिया समीर वानखेड़े और सोनू सूद जी को, तो कुछ लोग मैसेज करना शुरू किया कि भैया मुझे भी एक टी शर्ट दे दीजिए, मुझे भी एक टी शर्ट दे दीजिए। उसके बाद मैंने अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और भी बहुत सारे लोगों को दिया। उसके बाद से मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, सेलिब्रिटी लोगों को दिया, तो उसके बाद से सब लोग बोल रहे हैं कि अरे मनीष भैया हम लोगों को नहीं दीजिएगा, खाली सेलिब्रिटी को दीजिएगा। मैं कम से मैक्सिमम 10 से 12 सेलिब्रिटी को दिया हूँ टी शर्ट ब्रांड बिहार, बाकी सारे गरीब लोगों को टी शर्ट दिया हूँ। रिक्शा वाले को सुनिए, रिक्शा वाले को, ठेला वाले को। जब मैं गरीब का मदद कर रहा था तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, तो ये दुर्भाग्य है ना।
बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो ब्रांड बिहार जो है 12 करोड़ बिहारियों का है, जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं उन सब का है, और हमसे जितना हो सकता है मैं टी शर्ट बांटता हूँ। और ऐसा नहीं है कि टी शर्ट से ही आप ब्रांड बिहार बन सकते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ब्रांड बिहार हैं। लेकिन ब्रांड बिहार का सिंबल तो आप ही का ये टी शर्ट है ना? नहीं नहीं नहीं, ब्रांड बिहार मेरा सिंबल नहीं है, ब्रांड बिहार बिहार का ब्रांड मनीष का माना जाता है। ब्रांड बिहार दशरथ मां जी, ब्रांड बिहार जो है अपने चंद्रगुप्त मौर्य, ब्रांड बिहार जो है वो चाणक्य, ब्रांड बिहार विमल मंडल, तो ये लोग ब्रांड बिहार है, और इन्हीं लोगों के मुहिम को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों के साथ जब दिक्कत होती है तो एक आपका गाना चलता है, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा, बड़ा ये स्वैग है इस बात का, कुछ कहिए इस पर। एक पवन सिंह सोहन है, सिंगर है, उन्होंने ये गाना गाया है, उसके बाद से उनका बहुत सारा गाना वायरल हुआ तो अच्छा लगता है ये चीज है। और बस पत्रकार ही जो है बिहार को बदलेंगे, बस ऐसे ही ईमानदारी पूर्वक काम करें और प्रयास करें कि थोड़ा कम है सवाल। मनीष ने इस परिवार की ओर से आपने मनीष सवाल, छोटे छोटे पत्रकार को पत्रकार कहा जाता है, खासकर मनीष भैया को कहीं भी दिक्कत नहीं होती है, रवि भैया को दिक्कत नहीं होता है, मतलब कुमार अभिनव भैया को दिक्कत नहीं होता है, संजीव जी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे जो पत्रकार जो पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पे काम करता है, उन लोगों को पत्रकार ना करके पत्रकार कहते हैं। और खास लोग किस नजर से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सीनियर पत्रकार होता है वही लोग इस चीज को करता है। इस चीज के लिए आप क्या कहेंगे, जो खासकर जो प्रिंट मीडिया में कहते हैं भैया, बिल्कुल प्रिंट वाले टॉर्चर करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मेरे से कभी कोई इंटरव्यू लेने आता है तो मैं नहीं पूछता हूँ तुम्हारा फॉलोअर सब्सक्राइबर कितना है, समझे ना, मैं दे देता हूँ, आपका बड़ा छोटा हो बड़ा हो मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉलोअर सब्सक्राइबर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो ईमानदारी से छोटा बड़ा होता है, सही कि नहीं? तो मैंने अगर रिस्पेक्ट किया तब ना आप लोग रिस्पेक्ट करके मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, और जो आप लोगों का रिस्पेक्ट करेगा उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं छोटे लेवल से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो जो लोग आपको छोटा कहता है संघर्ष शुरू कर दीजिए और छेनी हथौड़ी से तोड़ दीजिए उन लोगों के गुरूर को, और बढ़ जाइए आगे और बन जाइए नंबर। मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड आप कब आ रहे हैं? देखिए मैं ऑन कैमरा ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ पूरा बिहार घूमने का, और उसमें जब भी मौका मिलेगा मैं वहाँ पे आऊंगा, लेकिन मैं समय दे के नहीं आ पाता हूँ, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, और मैं आता भी हूँ तो मैं आधे घंटे पहले बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मनीष एक सवाल है, मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड हरने गाँव में एक साथ 4 गरीब मजदूर की मौत हो गई, और वो सभी गरीब का आर्थिक स्थिति इतना तंग है कि वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, वहाँ पर एमपी साहब एमएलए साहब लगभग 15 से 20 दिन के बाद पहुंचे, आर्थिक मदद किसी तरह की नहीं हुई है, फोटो खिंचा के सब चले आए, अभी तक उन परिवार को कबीर अंत्योष्टि जिनको हम लोग ठेठी भाषा में कहते कफन का पैसा तक नहीं मिला है। वैसे वैसे अधिकारी और वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों के बारे में दोस्तों आप जरूर देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का जहाँ पे कफन का पैसा खा जा रहा है लोग, अभी तक नहीं मिला भैया। अब सुनिए ना, दुर्भाग्य है बिहार का जहाँ पे कफन का पैसा नेता लोग खा रहा है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि कफन का पैसा खाने वाले नेता को हम लोग बार बार मौका दे रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद धन्यवाद। मनीष जी, जिस सड़क से आप आए उस सड़क पर मिट्टी पड़ गया है। मट्टी तो कल ही पड़ गया जी, नाम का प्रभाव है, नाम का मट्टी का किसका असर है, विमल जी का असर है कि आपका असर? विमल जी, विमल जी। अच्छा मनीष जी, आपसे आपका संपर्क सूत्र? नहीं नहीं, मनीष जी आपका संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर वैसा कुछ? मेरे को मेल कीजिए और संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर, यही सब चीजें समझने की जरूरत है। ऑन कैमरा किसी से नहीं मांगते जी, जी ऑन कैमरा किसी से भी नहीं मांगते। आज तक देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आपका मोबाइल नंबर क्या है, या नीतीश कुमार आपका मोबाइल नंबर क्या है, या किसी भी व्यक्ति का ऑन कैमरा मोबाइल नंबर नहीं मांगते। मान लीजिए ऑन कैमरा मैं मोबाइल नंबर दूं और कल मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, फिर उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग? तो ये चीज है, मेरा ईमेल आईडी है sajtak1@gmail.com, आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, आप मेल कीजिए, हम स्क्रीनिंग करेंगे कि हमको। देखिए समस्या क्या है कि हमारे पास पर डे जो है हजारों मेल आता है पर डे, उसमें से हम लोग देखते हैं और जो हम लोगों से हो सकने वाला काम होता है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो sajtak1@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल कीजिए और हमसे जितना हो सकेगा, हम मतलब कि ऐसा नहीं कर रहे कि सबके मेल का जवाब हम लोग दे सकते हैं या सबका फोन उठा सकते हैं या सबका कॉल उठा सकते हैं। अभी सुबह से मैं यहाँ पे हूँ, इसको माइक पकड़िए थोड़ा सा, मेरा दोनों मोबाइल एकदम लगातार बज रहा है, ठीक है, और शायद से एक दो फोन ही उठा है सुबह से अभी तक। अब हम लोग क्या करें,
हम लोग काम करते करते ये देखे सुबह से ये चीज है। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोगों को भी समझ में नहीं। आशा भी तो ऑफिस है सबको भैया, आशा तो ऑफिस है सबको, क्या करें, फोन पे सिर्फ बात करें? नहीं बिल्कुल, वो तो फोन पे लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा, सुनिए हम डिसाइड करते हैं, किसी को बुरा लगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा मुद्दा करना है और कौन सा मुद्दा मैं कर सकता हूँ। मनीष बापू सभागार में जिस तरह का आयोजन अपने दम पर करवाए थे, सोनू सूद भैया किसी का छवि किसी का चेहरा देख, एक मिनट बापू सभागार का जो कार्यक्रम था वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का कार्यक्रम था जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, किसी ने बदनाम नहीं किया, इवेंट ऑर्गेनाइजर का कार्यक्रम था, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने अच्छा से इवेंट किया बहुत बढ़िया तरह से, सोनू सूद जी का कार्यक्रम था, हम लोग उसका कोई भी निंदा नहीं कर सकते, अगर निंदा करेंगे तो फिर बाहर से सेलिब्रिटी कोई बिहार में नहीं आना चाहेगा। तो पहले रुक जाइए, पहले इस पे जवाब दे दीजिए, इवेंट ऑर्गेनाइजर ने बढ़िया सा इवेंट किया था, सफल रहा वो इवेंट, सोनू सूद जी भी खुश है और हम लोग सोनू सूद जी को फिर बिहार में बुला रहे हैं, ये चीजें है। तो उसमें कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ आपके घर पे शादी होता है उसमें भी जो है बर्तन एक दूसरे के साथ रहेगा तो आवाज तो करेगा ही, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आवाज हुआ, और मुझे आदत है थोड़ा बहुत विरोध झेलने का, मैंने विरोध झेला। इवेंट ऑर्गेनाइजर जो थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इवेंट किया, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया वो लोग भी बहुत अच्छे थे, उनके साथ जो है कहीं नहीं तो कहीं मेरे से कुछ गलती हो गई होगी इसलिए उन लोगों ने विरोध किया, मैं उन लोगों से सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। और सोनू सूद जी का कार्यक्रम एकदम झकास रहा, सक्सेस रहा, सफल रहा, और फिर हम लोग उससे भी ज्यादा बड़ा कार्यक्रम और उससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से सफल कार्यक्रम बिहार में करेंगे। एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई बाहर से, हम बिहार में लड़ेंगे, अगर रोड सड़क बिजली पानी कहीं भी खराब हो हम लड़ेंगे, लेकिन बाहर का कोई आदमी आएगा बिहार में तब हम नहीं लड़ेंगे, तब जाके जो है बाहर से सेलिब्रिटी लोग बिहार में आएंगे और तब जाके जो है बिहार फिर से ब्रांड बिहार बन पाएगा। लास्ट जिस तरह फणीश्वरनाथ रेणु का नाम का इस्तेमाल करके नेता लोग ऊपर जा रहे हैं, विमल जी का भी वही हाल होगा। छोटा सा सहयोग करना चाहते हैं इनसे, आप लोग सवाल कीजिए, ये सहयोग फाइनेंशियली मदद करता है। फणीश्वरनाथ रेणु की जमीन पर आप क्या करें, फणीश्वरनाथ रेणु की जमीन रेणु जी की धरती पर आप है क्या कहेंगे? मतलब की मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है लेकिन शर्म इस बात का है कि ऐसा महान धरती पे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को हाथ काटना पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कब तक युवाओं को हाथ काटना? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।